नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं स्वरा भास्कर की। एक बार फिर से विवादों में उनका जिक्र इसलिए भी क्योंकि हिंदू देवी देवताओं पर एक कॉमेडियन ने जो टिप्पणी की थी उसके बाद उसको लेकर के जिस तरह से सोशल मीडिया पर माहौल बना, जिस तरह की चीजें सामने निकल कर आई, उस पर स्वरा भास्कर ने भी कॉमेंट किया है। और स्वरा भास्कर के कॉमेंट के बाद लगातार अब वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है, जो लगातार अब देख कर ऐसा लगता है जैसे वो प्लान करती हैं ये सारी की सारी चीजें कि ये मुद्दा जो है ये उस तरफ चला जाएगा जिस तरफ वो भेजना चाहती है। यानी एंटी हिंदू अगर सोच इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाला जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन था उसकी गिरफ्तारी होती है, लोग भड़क जाते हैं कि भैया आप बार बार, क्योंकि देखिए चाहे आप मूवी सीरीज देखिए या किसी भी तरह के स्टैंड अप शोज देखिए या लगातार कंटेंट देखिए आप जो हर जगह ड्रिवन हो रहा है इस वक्त पे, उसमें यह बहुत आम होता चला जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक जो है वो लगातार उड़ाया जाता है और फिर उसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दे दिया जाता है, क्रिएटिव फ्रीडम का नाम दे दिया जाता है। और इसके बाद अगर कोई कुछ कहता है तो स्वरा भास्कर जैसे ही लोग हैं जो इनके बचाव में सामने निकल कर आ जाते हैं। मैडम क्या कहती हैं ये सुनिए। चलो, हिंदुओं के कथित ठेकेदार इस साल भी उतने ही जाहिल और बेवकूफ होंगे जितने पिछले कई दशकों से रहे हैं। मुंबई कॉमेडियन हेल्ड इन इंदौर फॉर इंसल्टिंग हिंदू गॉड्स, ये सारी की सारी चीजें जो है वो गिरफ्तारी हुई थी, जिस पर स्वरा भास्कर ने पिछले साल या पिछले दशकों की तुलना में इस साल से भी कर दी कि वो लोग उतने ही जाहिल हैं। ये फिर अगेन क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर सामने निकल कर आ जाता है। लेकिन मैं हमेशा से, बहुत ही क्लीशे है, बहुत ही ऐसा सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है लेकिन इसका जवाब कभी नहीं मिलता, इसलिए फिर इस सवाल के साथ ही इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि क्या ऐसा और किसी धर्म या संप्रदाय के साथ क्यों नहीं किया जाता है कि मजाक बनाया जाए और उसके बाद जरा देखा जाए कि किस तरह की स्थिति बनती है। आपने शाली हेब्दो का नाम तो सुना होगा, आपने हाल ही में जो फ्रांस में हुआ है उसको तो सुना ही होगा कि कैसे गर्दन काट दी जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बता देती हैं कि कौन कितना कंजर्वेटिव है, कौन कितनी संकीर्ण मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहा है, नैरो माइंडनेस जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।